हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको क्या सफलता मिलेगी, आपकी माली हालत कैसी रहने वाली है और रोग और शत्रु का क्या हाल होगा और आज आपके क्या फायदे होने वाले हैं, क्या पदोन्नत होगी, किस क्षेत्र में काम करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आपको यदि मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, आप कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको नेम फेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और प्रयासरत कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का योग बन रहा है, सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश गमन की प्लान आपने कर रखा है तो विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है, आयात निर्यात का योग बन रहा है और विदेश में कुछ नई चीजें कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। यदि आप फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ प्लान कर रहे हैं बड़े लेवल पर तो कर सकते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे। यदि आप किताब लिखना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, खासतौर से जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत के लिए उनके लिए बेहतरीन टाइम चल रहा है। आपकी नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है और पदोन्नत का भी योग बन रहा है। यदि आप कॉर्पोरेट में कुछ बड़े लेवल पर सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आपकी पद प्रतिष्ठा ख्याति में वृद्धि होगी, परिवार में शुभ कार्य, नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। ट्रेडिंग से और फाइनेंस के क्षेत्र से आज आपको काफी अच्छा धन लाभ होगा। मीडिया के क्षेत्र में भी आज काफी आपको अच्छा कर सकते हैं। आपकी ख्याति के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। अगर कोई भाई अविवाहित है या बहन अविवाहित है तो उसके विवाह का भी योग बन रहा है और अगर कोई व्यक्ति विवाहित है भाई या बहन तो उसको संतान होने का भी योग बन रहा है। जिस घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। कोर्ट कचहरी में अगर आपको कोई विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी और नए तरह के कार्य कर सकते हैं। संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी को नौकरी, नए तरह के कार्य करने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। नए तरीके की व्यस्तता रहेगी और नए तरह के कार्य करने से आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रहा है। भाग्य से आपके सारे कार्य अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि कोई चीज कल पर न टालें, जो करना है तत्काल प्रभाव से करके उसको समाप्त करें, तत्काल उसी समय कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। आज आपको उपाय क्या करना है, आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें और गौशाला में जाके गाय को हरा चारा खिलावें या चिड़ियों को बाजड़ा खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है हरा। हरे कृष्ण।